एचआरटीसी को पूर्व सरकार व पूर्व परिवहन मंत्री जीएस वाली ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर रख दिया था और इस कंपनी को चलाने वाले अब घर में दुबके बैठे हैं। हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह ठाकुर ने धर्मशाला में परिवहन मजदूर संघ द्वारा उनके स्वागत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। शंकर सिंह ठाकुर अपनी बहाली के बाद आज पहली बार धर्मशाला पहुंचे। गौरतलब है कि पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान शंकर सिंह ठाकुर को उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था और अब भाजपा सरकार बनने के बाद 3 वर्षों के बाद उनकी बहाली हुई है। पूर्व परिवहन मंत्री जीएस वाली को निशाने पर लेते हुए शंकर सिंह ठाकुर ने कहा कि कांगड़ा मजदूर कुटिया में कभी पुलिस का पहरा होता था, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं दिखाई देता क्योंकि वक्त सबको बता देता है। जिन अधिकारियों को एचआरटीसी की एबीसी तक पता नहीं थी, उन्हें पूर्व सरकार ने अधिकारी बना रखा था। उन सभी अधिकारियों की कुंडलियां मेरे पास हैं। पूर्व सरकार ने एचआरटीसी में तानाशाही व धक्का शाही को मान्यता दे रखी थी, ऐसा वर्तमान सरकार में नहीं होगा। शंकर सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में जो बदलाव हुआ है उससे परिवहन कर्मियों में नया जोश आया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल परिवहन मजदूर संघ ने एचआरटीसी का नक्शा बदलने का संकल्प लिया है तथा धक्के शाही का साम्राज्य अब एचआरटीसी में समाप्त हो चुका है। शंकर सिंह ने कहा कि सरकार की ओर से एचआरटीसी में डीएम के 6 पद स्वीकृत हैं, जबकि अन्यों को पदोन्नत करके डीएम लगाया गया है। शंकर सिंह ने कहा कि सरकार में पदोन्नति कर बनाए गए डीएम को हटाने की मांग की गई है। साथ ही पूर्व सरकार की 5 वर्ष के कार्यकाल में एचआरटीसी में जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनकी विजिलेंस की जांच का आग्रह भी सरकार की तथ्यों सहित किया गया है। शंकर ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि मंत्री के घर में हाजिरी लगाओ तो काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मंत्री के घर हाजिरी लगाने से एचआरटीसी नहीं चलती, बल्कि उनके लिए काम करना पड़ता है। वर्तमान में एचआरटीसी में कई लोग हैं जो बिना काम किए वेतन ले रहे हैं। शंकर सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में जो महापरिवर्तन हुआ है उसमें परिवहन कर्मियों का भी अहम योगदान रहा। उन्होंने कहा कि निगम में मेरी बहाली के साथ ही एचआरटीसी की ओवर हॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। वक्त बदलता है, वक्त करवट लेता है। प्रबुद्ध लोग, समाज के प्रबुद्ध लोग समझ लेते हैं, हवा में उड़ने वाले लोग आज जमीन पर हैं। कल मैं देहरा से आ रहा था तो कांगड़ा के बस स्टैंड पर मजदूर कुटिया में जो सन्नाटा छाया है, 2 महीने से लोग मुझे कहते हैं कि 2 महीने से यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। लोगों के चेहरे का जो मुस्कान थी वो गायब हो चुकी है और अब समय उठने के लिए जो बोल रहे कि समय लगेगा, वो समय नहीं आने वाला। परिवहन के कर्मचारी इनको प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य से गायब कर चुके हैं और इनको कभी भी हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में कभी उभरने का मौका नहीं देंगे। उन्होंने परिवहन कर्मियों से कहा है कि एचआरटीसी बसों में यात्रियों को इज्जत के साथ बिठाएं और उतारें भी, किसी तरह की कोई शिकायत ना आने पाए। पूर्व सरकार पिछले 3 साल से एचआरटीसी को कौशल विकास भत्ते पर चला रही थी, जिसमें सभी चहेतों को लाभ दिए जा रहे थे। इससे पहले धर्मशाला पहुंचने पर परिवहन मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने शंकर सिंह ठाकुर का भव्य स्वागत किया तथा शहीद समाज से धर्मशाला एचआरटीसी वर्कशॉप तक रैली निकाली। हिमाचल प्रदेश के अंदर मेरी बहाली के बाद एचआरटीसी कर्मचारियों में भारी उत्साह है और इस उत्साह का जिस तरह से धर्मशाला में जो उत्साह मुझे देखने को मिला, मैंने तो अपने जीवन में इस प्रकार की कल्पना नहीं की थी। मैं इन परिवहन कर्मचारियों के उस विश्वास को हमेशा बनाए रखूंगा और पूरब में हमने जो मांग पत्र दिए हैं सरकारों को, जिनके ऊपर आज तक पूर्व सरकार ने कोई वार्ता नहीं की थी, उस मांग पत्र को संशोधित करने के बाद कल 25 फरवरी को बैजनाथ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है। संशोधित करने के बाद मांग पत्र वर्तमान सरकार को दिया जाएगा और उस मांग पत्र पर
प्रदेश सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में सार्थक वार्ता के साथ सभी मांगों को मनवाया भी जाएगा और उन्हें कार्यान्वित भी करवाया जाएगा।